हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पल्सर 150 UG4 BS3 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज इसमें ऑयल कैसे चेंज करते हैं, फ्रंट डिस्क कैलिपर का ऑयल कैसे चेंज करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये मास्टर सिलेंडर, इसके दो स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे। 4-8 स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन करने के बाद आपको मैंने इसमें देखिए पहले ही पाइप अटैच कर दिया है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो ऑयल पड़ता है वो .3 और .4, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए वार्निंग सब दिया हुआ है, .3 प्लस .4। तो मैं .4 यूज़ करने वाला हूँ। अभी तक मैं .3 यूज़ करता था, अभी .4 का परफॉर्मेंस देख लेता हूँ कैसा है। बाकी .3 तो बढ़िया था, रेड कलर में आता था .3, और .4 मैंने परचेस करके लाया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये है ब्रेक फ्लूड .4, और इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं, बजाज में आपको मिल जाएगा। बाकी आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हैं। ये HP का है, आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप कैस्ट्रॉल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 79 रुपीज़ इसके MRP है, और मैंने काफ़ी टाइम पहले ये परचेज़ किया हुआ है, जुलाई 2018 का पैकिंग है। तो अभी तो प्राइस बढ़ गया होगा मेरे हिसाब से। ये .4 100 ml की बॉटल है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये ब्रेक फ्लूड है आपके पेंट पे गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये पेंट यहाँ से डैमेज हो जाता है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हल्का सा ब्रेक फ्लूड गिर गया था, अभी मैंने ओपन किया था तो देखिए कैसा डैमेज हुआ। और एक आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस साइड में भी एक बार ये हुआ था, .3 वाला ब्रेक फ्लूड इसमें गिर गया था। तो मैंने तो इसमें हल्का सा भी कुछ टाइम पहले इसमें मैंने क्लियर कोट किया हुआ था, फिर भी ये निकल गया है यहाँ से। ये ब्रेक फ्लूड गिरने के कारण ही हुआ है, ये यहाँ से ब्रेक फ्लूड डायरेक्ट इधर गिर गया था। तो अभी मैंने देखो सेफ्टी के लिए एक पाइप यूज़ कर रहा हूँ ताकि इस पर भी ना गिरे ये, नहीं तो ये भी डैमेज हो सकता है, इसका कलर भी डैमेज हो सकता है। तो ये 10 नंबर का आपको रिंग स्पैनर यूज़ करना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। और यहाँ से मैं पूरा ब्रेक फ्लूड निकाल लेता हूँ, इसके पहले मैं ओपन करके आपको ब्रेक फ्लूड का कंडीशन दिखा देता हूँ क्या कंडीशन में है। ये मैंने ओपन कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। आपको घर पे कैसे चेंज करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका कैप एल्यूमिनियम का, और इसमें एयर के लिए स्पेस दिया हुआ है, देखिए। एक मिनट यहाँ से ये देखिए दोनों साइड में कट दिया हुआ है वैक्यूम के लिए, और इसका प्लास्टिक वाला लेयर ये दोनों साइड में रखना। और एक बात का ध्यान रखिए, पेंट पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये पेंट खराब डैमेज कर देता है आपका। अभी ब्रेक ऑपरेट के समय भी आपको इसके ऊपर हैंड रख के इसका एयर निकालना पड़ेगा। ये इसका ये रबर वाला कैप, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगा बाद में। और आपको ये देखिए ब्रेक फ्लूड का कंडीशन दिखा देता हूँ, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक मिनट तो भी मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए अभी क्लियर दिख रहा है, पूरा रेड का ये ब्राउन हो चुका है। तो इसको मैं क्लीन करके इसमें न्यू ब्रेक ऑयल फिल करने वाला हूँ। तो पहले मैं इसका पूरा एयर टाइट एयर वाला नट इसको लूज़ करके पूरा ये ब्रेक फ्लूड निकाल लेता हूँ, उसमें फिर नया ब्रेक फ्लूड इंसर्ट करेंगे आप। तो गाइज मैंने इसका ब्रेक फ्लूड निकाल दिया है पूरा, और इसमें देखिए डस्ट कितना जमा हुआ है, देखिए कितना डस्ट पार्टिकल इसमें। आपको एक मिनट हाथ से ही करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके अंदर देखिए डस्ट पार्टिकल कितना है, आपको दिखा देता है। एक मिनट स्क्रू ड्राइवर से, इससे ही ब्रेक वो जाम हुआ था एक बार, ये देखिए कितना डस्ट है इसमें। और ये पूरा टोटल मिट्टी है ये, और पता नहीं मुझको मिट्टी कहाँ से आया हुआ। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें ब्रेक बिल्कुल भी प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो एयर आ जाएगा। बाकी अभी मैंने सीरिंज के हेल्प से पूरा निकाल दिया हुआ है, आपको वीडियो में भी दिखाया हुआ है मैंने, सीरिंज से पूरा टोटल निकाल दिया। अभी इसका डस्ट पार्टिकल मैं कॉटन से क्लीन कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज मैंने प्रॉपर क्लीन कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। क्लीनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रखना है आपको, क्लीनिंग सबसे बढ़िया हो तो बढ़िया है। तो आपको इसमें कोई डीजल वीजल का कोई यूज़ मत कीजिए, डायरेक्ट आप कॉटन क्लॉथ से क्लीन कीजिए, और नहीं तो फिर आप कॉटन से भी क्लीन कर सकते हैं। मैंने कॉटन से ही पूरा क्लीन किया हुआ है, देखिए। और काफ़ी भाई लोग का कमेंट आता है कि हमारा डिस्क ब्रेक जाम हो गया है तो ठीक नहीं हो पा रहा है,
तो मैं बोलना चाहूँगा इसके अंदर आपको एक किट मिलता है। इसके अंदर मैंने काफ़ी टाइम पहले इसमें किट चेंज किया हुआ है। दो पिस्टन होते हैं उसमें, और उसमें ओरिंग किट होता है पूरा। माइनर किट आपको परचेस करना पड़ेगा। अगर आपका पिस्टन भी ख़राब हुआ होगा तो आपको मेजर किट परचेस करना पड़ेगा। आपको कोई भी बाइक, और बाइक टू बाइक वेरी करता है वो। आपका अगर पल्सर 150 UG4 BS3 होगा तो UG4 BS3 का ही किट आप यूज़ कीजिए। अगर आप UG4.5 का यूज़ कीजिएगा तो देखिए ओरिंग थोड़ा छोटा बड़ा होता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप दूसरी बाइक का इसमें किट यूज़ कीजिएगा, और स्पेशली आप लोकल किट मत यूज़ कीजिए, ओरिजिनल किट ही यूज़ कीजिए आप। लोकल यू किट यूज़ करोगे तो आपको कैसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ब्रेक में, इसलिए वो जाम हो जाता है। अगर आप ओरिजिनल किट इसमें यूज़ कीजिए, और ओपन करने के बाद आपको सैंपल लेके जाइए तो आपको ब्रेक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगा उसमें। आपको मैं बता देता हूँ, मेजर किट में आपको ये पिस्टन की दोनों रिंग मिलेगी, और पिस्टन मिलेगा, और ये कैप भी मिलेगा, और ये नट। ये हो गया मेजर किट। और माइनर किट में आपको ये रबर मिलेगा, और ये अदर की रबर किट, और ये सब मिलेगा माइनर किट में। मेजर किट में तो ये कंप्लीट पूरा टोटल आ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया इसका, ये शाफ्ट हो गया, जो ये देखिए ये नीचे वाला शाफ्ट जो ब्रेक पैड में होता है, ये मेजर किट में मिलेगा आपको। सिर्फ शाफ्ट मिलेगा, और इसमें और दो तीन रबर मिलता है देखिए, जैसे कि ये रबर भी मिला आपको मेजर में, और माइनर में भी ये रबर और इसके दोनों रिंग और एक कैप, इतना ही मिलेगा आपको। तो आप माइनर किट चेंज करके देखिए, आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये ओरिजिनल यूज़ करना पड़ेगा, लोकल यूज़ करेंगे तो उसका गारंटी नहीं है आपको ब्रेक प्रॉपर मिले। बाकी मैं अभी ये नट मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, पहले मैं वहाँ पे ब्रेक फ्लूड डाल देता हूँ, नहीं तो कैसे एयर हो जाएगा। एयर ले लेगा तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको इसको प्रेस करना ही पड़ेगा 10 बार, 10 से 20 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं इसमें .4 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें डाल देता हूँ पहले ऑयल। तो गाइस इसमें मैंने .4 ऑयल डाल दिया है इसमें, देखिए इधर अभी कितना क्लियर है। इसके पहले वाला ऑयल आपको पता था पूरा टोटल ब्राउन हो चुका था, अभी देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, इसका पाइप लगा दिया, और मैं किसी कंटेनर में इसको निकाल लेता हूँ ये ऑयल। टेन नंबर का इसमें स्पैनर लगेगा, एक मिनट, अभी मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा होल्डिंग करने के लिए कोई है नहीं, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं इसको इस कंटेनर में निकाल देता हूँ, और फिर जब यहाँ से येलो कलर का ऑयल निकलेगा तब मैं इसको क्लोज़ करने वाला हूँ। तो गाइज मैंने प्रॉपर फिट कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका ब्रेक फ्लूड पूरा टॉप तक लेके आ गया हूँ मैं, और यहाँ से मैंने एयर भी निकाल दिया। एयर तो हुआ नहीं था, अगर आप ब्रेक लीवर प्रेस करोगे तो एयर हो जाएगा। और मैंने इसमें एक पाइप लगा कर इसका सारा फ्लूड निकाल दिया है, जब तक कि येल्लो फ्लूड ना आए। तो देखिए मैंने इस छोटे से बॉटल में एक, मैंने आपको डेमो के लिए दिखाया हुआ, ये येलो फ्यूड आ चुका था, तो मैंने उसका नट 10 नंबर का टाइट कर दिया है। ये येलो फ्लूड और रेड फ्लूड मैंने फेंक दिया है, और टाइट करके इसका कैप, और ये कैप का जरूर ध्यान रखिए, अगर आपका ये कैप मिसिंग होगा तो आपको न्यू परचेस करके ये लगा दीजिएगा। ये 8 या 9 रुपीज़ का मिल जाएगा। और एक कैप के ऊपर दिखा देता हूँ, ये भी वेरॉक का ही है, एक मिनट दिखा देता हूँ, वेरॉक का लोगो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए वेरॉक का लोगो, ये रबर पार्ट्स वगैरह वेरॉक ही बनाती है, रबर एंड ये फाइबर पार्ट्स। इसका कैप मिसिंग मत कीजिएगा, नहीं तो इसका इसमें होल होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल जाएगा तो आपके ब्रेक जाम हो सकता है। और एक भाई ने ओल्ड वीडियो में कमेंट किया था जिसमें मैंने रिपेयर करना बताया था, उसमें एक भाई ने कमेंट किया कि आपके डिस्क से साउंड आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिस्क हल्का सा बेंड हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले से ही बेंड है, और इसमें अभी बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है। जब ये एकदम थीन हो जाएगा तब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। जब भी आप न्यू डिस्क प्लेट लगा रहे हैं तो आपको न्यू डिस्क प्लेट के साथ में आपको दोनों डिस्क पैड भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो पहले अनइवन सरफेस होगा तो उसमें वो डिस्क पैड काम नहीं आएगा, नहीं तो आपका डिस्क प्लेट 100% ख़राब होने वाला है अगर आप डिस्क पैड चेंज नहीं करोगे तो। ये दोनों चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो दोनों न्यू डालना चाहिए आपको।
ये पूरा डैमेज हो चुका है, तो आपको ये डिस्क प्लेट के हिसाब से आपको डिस्क पैड भी चेंज करना पड़ेगा। और जब भी आप पंचर बनवा रहे हो तो राइट साइड से पंचर बनाए, ये टायर उस साइड में रख के इसके ऊपर रख के ना बनाए। मेरे केस में ऐसे ही हुआ था, इसलिए डिस्क प्लेट ये पूरा बेंड हो चुका है। इस साइड में रख के इसका पंचर बनवाया था, तो इसलिए इस साइड में रख के उस साइड में रख के बनाना चाहिए, तब ये डिस्क प्लेट ये नहीं होता है, बेंड नहीं होता है। और मैंने प्रॉपर कर दिया, इसका एयर तो कुछ था नहीं। बाकी इसको मैं पैक कर लेता हूँ, पैक कैसे करें आपको दिखा देता हूँ। ये इसका रबर, और एक तो आपको पूरा फुल तक नहीं भरना है, जिसमें वो गेज दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे ऑयल गेज दिया हुआ है, उसमें मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ रहता है, तो मैक्सिमम उधर तक मैंने भर दिया है। और इसके बाद आएगा ये रबर का कैप, और इसके बाद ये इसका कैप एल्यूमिनियम का, और ये दो स्क्रू टाइट कर देना, और ये ज़्यादा टॉर्क लगा के टाइट मत कीजिएगा, नहीं तो ये फिर खुलेंगे नहीं। जब भी आप इसको ब्रेक फ्लूड आप रिप्लेस करना चाहोगे तो ये ओपन नहीं होगा। मैं प्रॉपर टाइट कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस ये मैंने ये प्रॉपर फिक्स कर दिया, आपको दिखा देता हूँ, इसको ज़्यादा टॉर्क मत लगा दी। और ये मैंने प्रॉपर कैप वैप सब इंस्टॉल करके नीट एंड क्लीन वर्क कर दिया है। और आपको अभी ये टायर घुमा के दिखा देता हूँ, परफेक्ट ब्रेक लग रहा है अभी। अभी इसमें मैंने डॉट फोर यूज़ किया है, इसमें आपको टायर घुमा के दिखा देता हूँ, एकदम परफेक्ट ब्रेक लग रहा है। और आपको क्लोज़र लुक दे देता हूँ टायर का। और ये जो साउंड आ रहा है, ये डिस्क प्लेट हल्का बेंड हो चुका है, बाकी ब्रेक एकदम प्रॉपर हो गया है। और ये इतने पे ही ऑपरेट कर रहा है ब्रेक, आपको दिखा देता हूँ, इतने इसमें ही ऑपरेट हो रहा है ये ब्रेक। और इसमें अगर एयर आ गया हो तो इसमें आपको 80-90 टाइम्स आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ से फिर प्रॉपर एयर निकल जाएगा। जब भी आपको एयर निकालना है तो स्क्रू और ये कैप ओपन करके एयर निकालना है आपको, ताकि आपको पता चल सके कि ब्रेक फ्लूड कम हो गया है इसमें। बाकी ये चलने में और फ्री हो जाएगा, देखिए अभी अभी और हार्ड होने लगा है ये, अभी देखिए प्रॉपर हल्के से इसमें ब्रेक ऑपरेट हो रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन पर स्थित ऐसी मॉडिफिकेशन टिप एंड ट्रिक वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।